दो मुकाबले आज के खेले गए पहला मुकाबला जो खेला गया था जीरो डिग्री और खेला गया था रॉकेट इंटरनेशनल के बीच जहां पे जीरो डिग्री की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करके जीत के साथ अपनी जगह आगे पक्की करने का निर्णय लिया था और वहीं पे दूसरा मुकाबला खेला गया था अभी कुछ देर पहले बलराम इलेवन सॉरी बजरंग इलेवन और आ, रॉकेट इंटरनेशनल के बीच जहां पे बहुत बेहतरीन बदल देखने मिला शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन एक खिलाड़ी जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके पूरा मैच ही बदल दिया और अब यहां तीसरा मुकाबला खेला जाएगा अर्जुन नमो चषक दो के दूसरे दिन का आज का यह तीसरा मुकाबला जीरो डिग्री बनाम बजरंग इलेवन दोनों ही टीमों के कप्तान एक अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया कमेंट्री बॉक्स में भेजें और साथ ही साथ जल्द से जल्द फील्ड सजाएं कप्तान समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऐसा देखा गया है ये आखिरी मुकाबले में थोड़ा लाइट इश्यूज होते हैं हम नहीं चाहेंगे कि इस चीज के लिए किसी भी कप्तान को फेस करना पड़े जोर स्टोर कितने बारे को मैं अपने दोनों बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में और दोनों ही टीमों के एक अतिरिक्त खिलाड़ी को मैं यहां पे आमंत्रित करना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स पे दोनों ही टीमों के कप्तान एक-एक अतिरिक्त खिलाड़ी एक्स्ट्रा प्लेयर कृपया करके कमेंट्री बॉक्स पे भेजें ये मुकाबला आसान नहीं होगा क्योंकि अब तक ये दोनों मुकाबलों में बहुत सारे उलटफेर हुए इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो टीम के बहुत बहुत आगे बढ़ने के चांसेस है चलिए देखते हैं इस मुकाबले में कौन धूम मचाता है और कौन थोड़ी सी तकलीफों के साथ जाएगा बाहर बजरंग इलेवन और जीरो डिग्री दोनों ही टीमों के एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स के पास दौड़ते भागते हुए आएंगे भाई साहब एक मिनट बजरंग इलेवन तुम्हारा लास्ट कॉल है आपला खेळाडू पाठवा लगेच कॉमेंट्री बॉक्समध्ये कारण प्रत्येक मॅच मध्ये आम्ही सूचना देणार नाही आता पॅनलाईज तुम्हाला केला जाईल त्यामुळे लास्ट रिक्वेस्ट आहे आमची तुमचा एक्स्ट्रा खेळाडू लगेच पाठवा सापो <laughs> और इस मैच की पहली गेंद नवनीत करेंगे स्ट्राइक पर है निखिल नॉन स्ट्राइक पर है मानव बगजरंग एलेवन के सलामी बल्लेबाज गेंदबाज गेंदबाज इस वक्त नवनीत बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजों में से एक निखिल इस वक्त लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और मानव जो कि नॉन स्ट्राइक पर पहली गेंद गिरती हुई आज की तीसरी मुकाबले की पहली गेंद प्ले और पिछले इंद खेल दिया उसे स्टेट की तरफ कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं एक बेहतरीन शुरुआत छक्के के साथ यहां पर शुरुआत कराई डीजे बजरेंगे इलेवन के जो सलामी बल्लेबाज है कि यह जो अपोजिट टीम है बहुत ही तगड़ी टीम है 120 रन बनाए थे उन्होंने अपने पहले मैच में और इनको अगर आपको टारगेट देना है तो अच्छी बल्लेबाजी करना बहुत ही जरूरी है और उसी किस्म की शुरुआत दिलाई है अगली गेंद इस बार उसी अंदाज में कैच बन पाता है या नहीं देखना है कि बॉल तक कौन पहुंच सकता है और एक आसान सा कैच अक्षय द्वारा निखिल के रूप में जो छह रन बनाकर आपस पॉइंट की ओर सी पब्लिक ग्राउंड में बैठी हुई बहुत धूम मचेगा इस टूर्नामेंट में आगाज में इतना दम है है अंजाम कितना दमदार होगा अर्जुन नमो भाई साहब कुछ भी हो सकता यहाँ पे पिछले इक्कीस सालों से इस बुटी और विदर्भ के दिलों पर राज करता है ये टूर्नामेंट और यहाँ इक्कीस सालों के बाद इस साल बाईसवा वर्ष है पर बाईसवें वर्ष की शुरुआत में ही बहुत सारे ड्रामा बहुत सारा प्रेम आप सभी दर्शक गणों का धन्यवाद आप सभी का अपना समय देने के लिए इस टूर्नामेंट में वन डाउन के रूप में जो बल्लेबाज आए हैं अशरफ जो कि निखिल की जगह लेने गए थे तो मैं फिर जैसे कि अभी जॉनी भाई ने बताया है कि हमारा यह बाई स्व पर्व शुरू है और इसका पूरा क्रेडिट देते हैं हमारे बबलू भैया गौतम इनको और साथ में हमारा अविनाश भैया इनको और तमाम उन मान्यवरों को इस वक्त हमारे मान्यवर इस वक्त मौजूद हमारे मंगेश भाऊ आंबेडकर वीरेंद्र भाव गौतम हमारे दीपक भाऊ गुजर हमारे युवराज भाऊ नटे कुदरत भाई सैयद हमारे प्रशांत भाऊ डावले और तमाम ऐसे अनगिनत नाम यहाँ पर मौजूद तो इस बीच मैच अपने प्रगति पर चलता हुआ इस बार अगर द लाइन खेलना चाह मिड विकेट के क्षेत्र में जानते हैं वहां पर फील्डर तैनात है लेकिन अपनी पावर को जानते हैं अगर मिडल होता है गेंद तो शायद बाहर ही हो इतना विश्वास उनको है एक विकेट लेने के बाद एक खराब गेंद कर बैठे थे वाइट लेकिन उसके बाद एक अच्छी वापसी मैं कहूंगा इस बार या कराने का प्रयास था बाहर गेंद थी उसे बिल्कुल कामयाब हुए जानते हैं जड़ में गेंद रख रहे हैं नए नए बल्लेबाज अभी भी आए हैं सर्कल की ओर शुरू है यह मैच आठ ओवर का है जिसमें कि दो ओवर सर्कल उसी का फायदा उठाने के लिए शायद यहाँ पर भेजा गया है बल्लेबाज अशरफ को अभी तक देखा जाए दो गेंद पे बीट हो चुके हैं, इस बार स्लोअर वन ऊपरी किनारा कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच और ये दूसरा झटका बजरंग इलेवन को बहुत ही बेहतरीन दिला थी जानते थे कि सामने बहुत ही खतरनाक चेसिबल टीम है शायद इसीलिए पहले ही खेमे में शायद बातचीत हो गई हो कि हम हमें टारगेट देना है लेकिन बड़ा टारगेट देने के चक्कर में आप थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचेंगे तो एक अच्छी बात रहती है क्योंकि दो विकेटें जा चुकी है और जरूरी यहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप की और साथ में रन भी आने की तो नए जो बल्लेबाज आए हैं कार्तिक तो इस तरह से आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जॉनी भाई ओवर टू जॉनी भाई स्ट्रेटजीज तो अर्ली विकेट्स के बाद ये होनी चाहिए कि पहले साझेदारी संभालें और उसके बाद रनों की कोशिश करें फुल टॉस गेंद थी सम्मान दिया गेंदबाज को और लेंगे डॉट बॉल के साथ शुरुआत कार्तिक तक एक ओवर में आए हैं दो झटके यानी दो विकेट और दिए हैं मात्र सात रन सात रन के साथ दो विकेट भी आए हैं और वहीं अब गेंदबाजी की कमान ले आएंगे जीरो डिग्री से पंकज खिलाड़ी इनका नाम पंकज अब तक सात रन आए हैं पहले ओवर में भले रन कमाए हो पर दो झटके यानी दो विकेट भी चटकाए आए हैं गेंदबाज ने वहां थोड़ा सा डगमगाएगी टीम क्या या फिर ये जो बल्लेबाजी जोड़ी यहां मौजूद है कुछ करनामा करके उभर के आएंगे हीरो जैसे इस टीम के लिए चलिए देखते हैं अगली गेंद गेंदबाज तैयार डिफेंड किया इस गेंद को तेज गति से डाली गई थी गेंद मानव है स्ट्राइक पे और अब यहाँ बिल्कुल रणनीति साफ होगी गेंदबाज की रन नहीं बनाने देना चाहेंगे सेट नहीं होने देना चाहेंगे प्रेशर डालने की कोशिश रहेगी पर वहीं अगली गेंद ऊंची गई है गेंद मांग थी कैच की डिफिकल्ट था कैच मिस टाइम किया उस बॉल को और एक रन चुराने में कामयाब भाग्यशाली रहते हुए वहां मानव बल्लेबाज चलिए अगली गेंद विदर्भ के वर्ल्ड कप के इस मैदान में नाम इस टूर्नामेंट का अर्जुन नमो चषक बेहतरीन शॉट यहाँ पे हल्का सा खेल दिया था खिलाड़ी मौजूद मिलेगा केवल एक रन अब तक बढ़ता हुआ स्कोर जो हुआ है वो हुआ है नौ रन और दो विकेट के नुकसान पे खेलती हुई बजरंग इलेवन की टीम पहले दो मुकाबले काफी बेहतरीन और अब ये तीसरा मुकाबला अगली गेंद गई जरूर है लैंड पे गिरेगी मौजूद है वहां पे खिलाड़ी एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दस रन पूरे अब तक और वही 2326 लोग इस टूर्नामेंट का मजा लेते हुए डिफेंड किया इस गेंद को डॉट बॉल आएगी सटीक लाइन और लेंथ से अब तक गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज नाम इनका पंकज -बोरी का ये मैदान शानदार सा और बेहतरीन से पिच ऊंची गई गेंद जरूर और है खिलाड़ी जाना होगा वापस इस बल्लेबाज नाम इनका कार्तिक कार्तिक अभी आए थे और अभी ही चलता किया ओवर समाप्त दो ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है केवल दस रन और तीन झटके तीन विकेट के नुकसान पे बजरंग इलेवन की टीम अभी भी मानव मौजूद है मानव ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था देखते हैं इस बार मुश्किल वक्त पे क्या नैया लगाएंगे पार होगी इनकी नैया पार या फिर तकलीफ देंगे गेंदबाज अर्ली विकेट्स जाने के बाद अब बहुत जल्द पे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा शायद इतने जल्दी आना पड़ेगा अब अगले बैट्समैन अनिल है नाम इनका और आए हैं अब तीन विकेट जाने के बाद डोलती हुई नहीं आके आप प्यार लगाएंगे अनिल भैया देखते हैं इसके बाद के इन कुछ गेंदों में और अब गेंदबाजी पे आए हैं वापस नवनीत पहले ओवर में नवनीत ने मचाई धूम इस बार क्या मचाएंगे फिर से अच्छी गेंद वहां पे मौका नहीं दिया बल्लेबाज को गोली की रफ्तार में जाती हुई एक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई है गेंद लगभग डिफेंड करना चाहते थे ये ऑकर गेंद थी और एक रन तेजी से चुराया दूसरे की मांग करते हुए तो ओडे है मानव जाएगा सटीक सत्रो पर पहुंच जाएंगे वक्त रहते अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दो रन चुराने में कामयाब धीरे 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 इस मैदान में खेल प्रेमियों का आगमन होता हुआ खचाखच भरा हुआ स्टेडियम रिवर्स विप खेलना चाहते थे और चूके पूरी तरह से डॉट बॉल एक बार फिर आएगा और अब तक तीन गेंदों में केवल दो रन खर्च किए हैं गेंदबाज नवनीत ने मुकाबले में अब इक्का दुक्का नहीं बड़ा शॉट ढूंढेंगे बल्लेबाज पर वही विकेट जाने के वजह से समझ के खेलना होगा एक बार फिर फुल लेंथ गेंद थी बड़ा शॉट लगाना चाहते थे बल्ले के पास से तेजी से जाती हुई गेंद बॉल चार गेंदों में अब तक केवल दो रन बढ़ता हुआ स्कोर बारह रन हुए हैं मात्र और चालू है तीसरा ओवर और यहां विकेट से टकराई जरूर गेंद पर एक रन चुरे मिला, मिलेगा एक रन जरूर अब तक बहुत देर हो गया है काफी देर से अभी एक भी बाउंड्री नहीं देखने मिली है हमें पहली गेंद पे शायद आया था क्या कहते हैं उसके बाद से अब तक बाउंड्री को ढूंढती हुई है बल्लेबाजी टीम कहीं ना कहीं प्रेशर हटाना चाहेगी जरूर एक बार फिर मारना चाहते थे यॉकर और डिफेंड करते हुए एक रन चुराने में कामयाब तीन ओवर के बाद अब तक बढ़ता हुआ स्कोर चौदह रन और तीन विकेट के नुकसान पे बजरंग इलेवन की टीम डीजे मृत्युंजय आए हैं गेंदबाजी करने मृत्युंजय आए और पहली गेंद पे आया डॉट बॉल यहां पिछले मैच में आज का जो पहला मुकाबला खेला गया था जीरो डिग्री का वहां पे भी मृत्युंजय की गेंदबाजी में काफी जोहर दिखा था वहीं आज बाजीगर का गाना जो था शॉट बेहतरीन वहां पे खिलाड़ी मौजूद जरूर मिलेगा केवल एक रन स्ट्राइक पे आएंगे मानव चलिए अगली गेंद को तैयार और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त क्योंकि अब तो पहली ही इनिंग है और वहां पे सिर्फ चौथा ओवर चलता हुआ ऊंची गई है गेंद प्यार से उठाया और शानदार सा छे बेहतरीन शॉट मृत्युंजय तैयार अगली गेंद, ऊंची गई है और खिलाड़ी मौजूद जरूर थे बहुत दूर थी गेंद एक रन चुराया दूसरे रन के लिए दौड़े अब ये तीसरा रन भी लेंगे जरूर और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहीं पे हंड्रेड परसेंट एफर्ट मिलेंगे खिलाड़ी को कैच छूटा जरूर पर कोशिश के लिए हंड्रेड परसेंट मार्क्स तीन रन दौड़े चुराए हैं जरूर पर इसके पहले आपको बता दूं पिछली जो बॉल पे आया था बड़ा शॉट वो काफी देर से आया था क्योंकि ऐसा बोला गया कि काफी देर कर दी मेहरबान आते आते हेलीकॉप्टर था ये शॉट और जाएगा सीधा खिलाड़ी के पास एक रन अनिल के बल्ले से करना चाहते थे वहां पे और खिलाड़ी मौजूद जाएगा एक और विकेट एक और झटका एक और सफलता जीरो डिग्री इनका अखिलेश और अखिलेश के अब कंधों पे रहेगा इस टीम बजरंग इलेवन का अब तक बहुत अर्ली विकेट चार बैट्समैन चार बल्लेबाजों को गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करके भेजा है वापस पवीलन पे यहां आए हैं अखिलेश और साथ दे रहे हैं अनिल स्ट्राइक पे गेंदबाजी करने आए हैं गेंदबाज नाम इनका अक्षय एक मूवी में गाना भी आया था ना हम हम ना हम दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे हमें सीधे साधे अक्षय चलिए देखते हैं अक्षय है की सीधी साधी गेंदबाजी तकलीफ करेगी या धूम मचाएंगे दिना दिन धा के नाम से फेमस हीरो अनिल कपूर के नाम वाले अनिल बल्लेबाज बहुत बेहतरीन गेंदबाजी अब तक और ये जो आप मुकाबला देख रहे हैं वो है विदर्भ के वर्ल्ड कप के नाम से प्रसिद्ध बुट्टीपोरी में बहुत बेहतरीन सा आयोजन अर्जुन नषक दो हजार चौबीस और अगली गेंद यहां पे आप सामना करेंगे अक्षय की अगली गेंद अखिलेश को खिलाड़ी मौजूद वहाँ पे केवल एक रन मिलेगा और जिस तरह से ये टूर्नामेंट का आयोजन समिति इस टूर्नामेंट का आयोजन करती है पिछले इक्कीस सालों से जिस तरह से विदर्भ हैं और पूरे भारतवर्ष में इसका छाप छोड़ना चाह रहे हैं वहीं एक छोटी सी चीज़ कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से इससे भी ऊंचा स्तर हर साल बनता रहेगा अर्जुन नमो चषक एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने को ढूंढने को यहाँ पे इंतजार करना होगा बल्लेबाजों को एक रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा इसे मैं खराब बैटिंग नहीं पर अच्छी गेंदबाजी जरूर कहूंगा क्योंकि अब तक गेंदबाजी जिस तरह से लाइन और लेंथ डाला है गेंदबाजों ने परेशान किया है निश्चिंत ही बल्लेबाजों को बजरंग इलेवन के चलिए अब आएंगे बल्ला बदल के यहाँ पे बड़ा शॉट लगाना चाहेंगे और अब गेंदबाज तैयार आगे बढ़ना चाहते थे कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे पूरी तरह से चूके और डॉट बॉल आएगा बल्ला चेंज करके शायद ये ये बताना चाह रहे हैं कि अब मैं भी तैयार हूं चलिए आइए थोड़ा क्रिकेट खेलते हैं चार अर्ली विकेट्स और रन बढ़ते हुए अब तक अट्ठावी यहां एक रन की मांग थी एक रन मिलेगा बल्ले से सही संपर्क नहीं हुआ फिर भी रन चुराने में कामयाब गैप में गई थी गेंद बढ़ता हुआ स्कोर उनतीस रन अब तक चार विकेट के नुकसान पे अब तक पांच गेंदे हुई है ओवर की आखिरी गेंद देखते हैं आखिरी गेंद पे अक्षय बरकरार रख पाएंगे शानदार गेंदबाजी या कुछ बदलाव होगा बड़ा शॉट लगाना चाहते थे बल्ले का बाहरी किनारा की लगा कीपर के दस्तानों से हल्की सी गई गेंद बाहर वरना झटका एक और लग सकता था बजरिंग इलेवन को भाग्यशाली रहे वहां बल्लेबाज ओवर समाप्त अब तक चार ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर तीस रन और चार विकेट के नुकसान पे अगली आवाज हमारे बीच मौजूद सचिन भैया कीजिएगा ओवर ओवर तीस रन चार विकेट के नुकसान पे बजरंग इलेवन की टीम और अब गेंदबाजी थोड़ी सी यहाँ पे कसी कसाई होती हुई प्रेशर बनता हुआ बजरंग इलेवन पे गेयर बदलने की जरूरत क्या कहना चाहेंगे सचिन भैया बिल्कुल जॉनी भाई यहाँ ज़रूरत है रनगति बढ़ाने की शुरुआत में देखी गई थी शुरुआत तेज तैयार करने का प्रयास किया था एक छक्का जरूर चला था उसके बाद विकटों का पतन होता चला गया और उस सदमे से वो टीम अब तक बाहर आई नहीं है और जिसका नतीजा ये है कि पाँच ओवर में तीस रन हो चुके हैं अभी भी अठारह गेंदे आने शेष है यहाँ से मोमेंटम चेंज करने की ज़रूरत देखना है कि समय कब आता है इस बार मृत्युंजय की अच्छी गेंद थोड़े से बाहर कर बैठे अंपायर का वाइट का इशारा तो इस सिचुएशन में एक एक रन भी बहुत ही मायने रखता है क्योंकि अपोजिट टीम आदि है लंबे चौड़े स्कोर खेलने की मारने की तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक तीस गेंदों में केवल तीस ही रन में समझूंगा इस बीच अगली गेंद इस बार मिड विकेट की तरफ खेल खेलना चाहते थे उसी अंदाज में वाइड गेंद फिर से मृत्युजय की मृत्युंजय जो कि दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं रफ्तार तो दे रहे गेंद को थोड़े से मेहरबान भी साबित हो रहे हैं टीम को केवल बत्तीस ही रन है जिस तरह से ये गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक गेंदबाज ये परेशान कर रहे हैं बल्लेबाजों को ऐसा देखने को आया है अब तक यहाँ एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी वहां खिलाड़ी को पाया एक रन मिलेगा जिस तरह से परेशानी बढ़ाना चाह रहे हैं गेंदबाजी में वही प्रेशर रिलीज भी करना चाह रहे हैं बल्लेबाज ऐसा देखा जाता है सचिन भैया कि हर बार तारीख जो होती है वो समय बदलती है और एक बार एक तारीख ऐसी आती है जो कैलेंडर बदलता है क्या ये यहाँ धूम मचा पाएंगे ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा इस वक्त फील्ड में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं इस बार कुनाल बॉल के नीचे आना चाहते थे बेहतरीन छक्का बहुत ही अच्छा इस बल्लेबाज द्वारा और जिस तरह से बात की थी मोमेंटम चेंज करने की तो शायद यहाँ से उन्होंने मन बना लिया है कि अब हम यहाँ से रुकने वाले नहीं रनगति बनाना बहुत ही जरूरी उसी अंदाज में यह कमजोर गेंद का भरपूर फ़ायदा उठाया इस बल्लेबाज ने अखिलेश ने अगली गेंद मृत्युंजय की बिल्कुल सही भैया क्या बेहतरीन शॉट अगली गेंद एक बार ऊंची गई है गेंद कुनाल मौजूद गलती नहीं करेंगे कुनाल पिछली गेंद पे बेहतरीन सा शानदार आया था और उसके बाद पवेलियन की ओर वापसी करते हुए भेजा उन बल्लेबाज को गेंदबाज मृत्युंजय ने क्या वापसी इस गेंदबाज द्वारा अखिलेश को जाना होगा वापस और अब तक पांच विकेट का नुकसान आधी टीम को भेजा है पवेलियन और बने हैं केवल अड़तीस सॉरी उनचालीस रन अब आए हैं बल्लेबाजी करने नंदू क्या बनेंगे सबके आंखों के तारे यहाँ पे आप लोग बंधु सोच रहे थे ना बिल्कुल <laughs> चलिए नंदू के लिए अभी देखते हैं क्या आने वाला है इस मैच में मुश्किल में है जो भैया अच्छी गेंद वहां डिफेंड करने पे मजबूर किया आपने बल्लेबाज को गेंदबाज ने और वही लगभग लगभग पकड़ बनाने की कोशिश करती हुई जीरो डिग्री की टीम और गेंदबाजों का साथ कप्तान को डॉट बॉल आएगा जरूर और डॉट बॉल के साथ यहां पे प्रेशर भी आएगा थोड़ा बहुत बल्लेबाज पे सामने खेला है बॉल को खिलाड़ी वहां मौजूद मिलेगा एक रन इक्के दुक्के नहीं आएंगे काम क्योंकि रन संख्या अब तक काफी कम बढ़ता हुआ स्कोर अब तक इकतालीस रन ओवर के बाद बचे हैं केवल दो ओवर बारह गेंदों में बिल्कुल भी बड़ा शॉट ढूंढना चाहेगी यहां पे बल्लेबाजी टीम और ये जो बेहतरीन सा मुकाबला शानदार सी पब्लिक और तूफान सा समा बना है इसके पूरे दारो जाता है अर्जुन नमो चषक दो हजार चौबीस के इस सीजन को जहाँ पे हमारे बेहतरीन से ऑडियंस के बीच ये मैच आज का दूसरा दिन का ये तीसरा मैच चलता हुआ अर्जुन सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित अर्जुन नमो चषक जिसके अध्यक्ष माननीय श्री बबलू भाव गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद ये बेहतरीन सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए वहीं हमारे मार्गदर्शक अविनाश भाव गुर्जर को भी बहुत बहुत शुक्रिया इक्कीस सालों से समा बांधा है भाई और, और जाने कितने और साल तक हर साल स्तर बढ़ेगा इस टूर्नामेंट का अगली गेंद ऊंची गई है गेंद नजरे गड़ाई रखी अपनी और गलती नहीं करी वहां पे एक और झटका आता हुआ इस बार जाएंगे वापस अनिल के विकेट के रूप में उठा है जरूर और जाएगी सुरक्षित से हाथों में दो गेंदों में अब तक दो विकेट जॉन आए थे जॉन्टी चल दिए वापस भेजा पहली ही गेंद पे इस बल्लेबाज को पूरे नागपुर आसपास में विदर्भ में इस टूर्नामेंट का डंका लाइव आते हैं करीब 25 से छब्बीस हजार लोग केवल इस टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए साल भर इंतजार किसका अर्जुन नामो चषक और ये 2024 के दूसरे दिन का आज का तीसरा मुकाबला गेंदबाज तैयार कीपर के सुरक्षित हाथों में कई जरूर पर बाहें खुलेगी अंपायर की शाहरुख खान रोमांस किंग के अंदाज में व्हाइट बॉल का इशारा बाहे फैलाते हुए दो गेंदों में दो विकेट है हाँ बरकरार देखना है क्या ये पहली हैट्रिक हाँ होगी इस टूर्नामेंट की अक्षय की अगली गेंद सामने रजनीश ने मौका नहीं दिया वहां पे इतिहास लिखने का अगर हैट्रिक हो जाती तो पहली हैट्रिक कहलाई जाती वर्ष एक 2024 में दो टूर्नामेंट की पर नहीं एक रन लिया जरूर और अब स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज नाम इनका नंदू खिलाड़ी वहां मौजूद एक रन तेजी से लिया दूसरे की मांग करना चाहेंगे और मिलेगा नहीं लेकिन क्योंकि वहाँ पे सतर्क फील्डिंग एक रन मिलेगा बढ़ता हुआ स्कोर अब तक 44 फोर यानी चौवालीस रन हुए हैं और बेहतरीन गेंदबाजी देखने मिली है यहाँ पे जीरो डिग्री द्वारा मारना चाहते थे पीछे उठा के शॉट पूरी तरह से चूके वन बाउंस का इशारा दिया अंपायर ने संभल के डालना होगा अगली गेंद अगर जाती है बाउंस ऊपर तो नो बॉल भी करार दी जा सकती है कौन कहता है कि सितारे दिन में नहीं दिखते अगर आना है सितारे देखने तो आइए बुट्टी बोरी डिफेंड करते करते एक फ्लिक भी किया यहाँ पे और एक रन चुराने में होंगे कामयाब जिस तरह से मैंने कहा कि सितारे नहीं दिखते दिन में अगर देखना है दिन में सितारों का जमघट तो आइए अर्जुन चषक अर्जुन नमो चषक दो के इस मैदान में क्योंकि यहां पे आज दिन में खेल रहे हैं काफी क्रिकेट जगत के बड़े नाम बड़े सितारे ओवर <laughs> समाप्त सात ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन आखिरी ओवर रहेगा इनिंग का और डालने आएंगे गेंदबाज नवनीत सॉरी माफ कीजिएगा सूत्र हमारे कभी कभी गलत होते हैं पंकज नाम है इस गेंदबाज का सामने मारा जरूर है जाएगी गोली की रफ्तार में वन बाउंसी सीमा रेखा के पार शानदार चार बेहतरीन बेहतरीन गेंदबाजी लाइन और लेंथ से बिल्कुल नहीं भटक रहे हैं आज गेंदबाजी और डिग्री के शुरुआती ओवर से ही परेशान किया है यहां पे बल्लेबाजी टीम को वहीं आपको बता दे भगवे रंग की ये जो शानदार सी जर्सी पहने हुए खिलाड़ी यहां मौजूद अर्जुन संगठना भुट्टी बोरी की क्या कलर दर्शाता हुआ बेहतरीन एक रन की मांग तेजी से लिया पहला रन और एक ही रन चाहेंगे अब लेने नहीं देंगे रिस्क यहां पचास रन का आंकड़ा पूरा हुआ फिफ्टी रन कंप्लीट इस टीम के अच्छी गेंदबाजी वहां पहला रन तेजी से लेने के बाद दूसरे की मांग और हल्के से डगमगा कुनाल सफलतापूर्वक मिलेंगे दो रन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पे अब तक बावन रन सात विकेट के नुकसान पे और बची है ओवर की दो गेंदे चार गेंदों में अब तक दिए हैं सात रन रन की मांग और मिलेगा एक रन बढ़ता हुआ स्कोर अब तक त्रेपन आखिरी गेंद है ये ओवर की क्या बड़ा शॉट आएगा या भारी पड़ेंगे फिर से एक बार गेंदबाज स्ट्राइक पे रजनीश एक रन की मांग वहां पे थ्रो करना चाहते थे मिस किया इतनी करीब से ओवर थ्रो का मौका बनाया और दो रन लेने में सफल अब तक पचपन रन हुए हैं और पचपन का स्कोर बनाया है यहाँ पे आठ ओवर में बनाने होंगे अब तक छप्पन नाना पाटेकर की प्रसिद्ध मूवी अब तक छप्पन और इसके बाद बनेंगे यहाँ भी रन क्या छप्पन डीजे डीजे गेला का चलिए अगली इनिंग में फैसला आएगा कौन होगा बाहर कौन अंदर जाएगा तब तक आप सभी को बता दे कि ये जो टूर्नामेंट सचिन भाव सूर्यवंशी प्रतीक भाव मसूरकर और प्रनीत भाव नेवारे सभी भाइयों का बड़े भाइयों का धन्यवाद जो इस अर्जुन नमोच के इस वर्ष में बेहतरीन सा सहयोग और क्या शानदार व्यवस्था करने में अपना अपना समय और योगदान दिया है इस टूर्नामेंट का सर पिछले इक्कीस सालों से बहुत धूम रहा है और हर साल एक नया उपलक्ष्य एक नई को ले जाते हैं इस टूर्नामेंट को इस साल भी देखना होगा क्या यही होगा क्योंकि हमने कल पहला पहला दिन दिन जो था उसी दिन में सुपर ओवर भी देख लिया कल के आखिरी मुकाबले तीसरा मुकाबला जो मंगलमूर्ति और सैनसुई के बीच खेला गया था और आज दो बड़े मुकाबले पहले जीरो डिग्री ने बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन किया फिर उसके बाद पिछला मैच जो बजरंग इलेवन और रॉकेट इंटरनेशनल के बीच खेला गया वहां पे एक खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके हार के मुंह से जीत छीन के लेके गया और अब यहाँ ये तीसरा मैच आज का दूसरे दिन का खेला जा रहा है बजरंग इलेवन और जीरो डिग्री के बीच अब तक बनाए हैं बजरंग इलेवन की टीम ने आठ ओवर में फिफ्टी फाइव पचपन रन और अब तक बनाना होगा छप्पन रन और जब तक डीजे भाई डीजे जट्टा एक बार ये भी सुन ले कि अगर ऑडियंस हो रही है बोर तो एक लगाए गाना जोरदार दर्शकों के लिए जोरदार सा एक गाना जटा भाई लगाए गाना चलिए अब हमारे बीस कॉमेंट्री में सात ओम भाई अगले चार ओवर आप सुनेंगे ओम भाई की आवाज बुलढाणा की बुलंद आवाज धन्यवाद जॉनी भाई नमस्कार प्रेक्षकों आणि स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं अर्जुन सामाजिक संघटना बुटी बुरी नागपूर यांच्या वतीने आयोजित अर्जुन नमो चष्काचा थरार समोर येतो आहे या स्पर्धेचे संकल्पक ज्यांनी संकल्पना राबवली असे सन्मानीय बबलू गौतम या स्पर्धेचे प्रमुख मार्गदर्शक सन्मानीय अविनाश भाऊ गुजर स्पर्धेचे आयोजक आयोजन समितीचे अध्यक्ष कुदरतबाई सय्यद समवेत प्रशांत भाऊ डाऊले न गौतम विरुभाऊ गौतम विशाल भाऊ दूदे एक दैदीप्यमान स्पर्धा आपल्यासमोर दुसरा दिवस आणि तिसरा सामना तिसऱ्या सामन्याचा दुसरा डाव मापक आव्हान त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी झिरो डिग्री संघाकडनं सलामीची जोडी अक्षय अरसाडे कुणाल सावरकर बॉलिंग मार्कवर अश्रफ तयार मागच्या मॅचमध्ये अश्रफने कमालीची बॉलिंग केली पहिलं षटक पॉवर प्लेचं आणि पॉवर प्लेमध्ये नेहमीच अधिराज्य गाजवतो नागपूरचा वंडर बॉय अक्षर साडे मागच्या मॅचमध्ये त्यांनी चांगली बॅटिंग केली छप्पन्न धावांचं लक्ष फिफ्टी सिक्स टू विन पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही बजरंग संघाला पहिला बॉल लॉप केलाय डीप विकेटला फुल सक्सेसफुल ठोकलाय षटकार पहिल्याच बॉलवर षटकार हमे सीधे साधे अक्षय बॅकफोटवरून कट करण्याचा प्रयत्न चांगला बॉल अश्रफचा ऑप्टमच्या बाहेर बॉल पडल्यानंतर थोडासा कट होतोय डॉट बॉल अश्रफ मागच्या मॅचमध्ये कमालीची बॉलिंग केली या खेळाडूने या मॅचमध्ये तशी बॉलिंग करावी लागेल कारण एक छोटं टोटल डिपेंड करत आहेत तो समोर इन्फॉर्म बॅटर अक्षय अरसाडे आहे सहा धावाने खातं उघडलं पुल लगावला स्टीअर करण्याचा प्रयत्न थोडासा वेट केला होता है या बॉलला खेळण्यासाठी कट करण्याचा प्रयत्न डॉट बॉल पहिल्या बॉलवर षटकार त्यानंतरचे दोन बॉल निर्धाव पलटवार करत असताना अश्रफ या षटकात तीन बॉल मध्ये सहा धाबा छप्पन्न धाबांचं लक्ष अजून करायचे पन्नास रन बॉल शिल्लक आहेत पंचेचाळीस बॅकफुटवरून चांगला स्ट्रोक कव्हरच्या डोक्यावरून बॉल चाललाय टू बाउन्स इन टू द रोप मिलेंगे रन चार तो बेडा होगा पार चौकार बॅकफुटला गेले बॉडीवेट मागच्या बाजूला ट्रान्सफर केलं जाणीपूर्वक कव्हरच्या डोक्यावरून खेळला हा फटका शॉर्ट ऑफ लेंथ चौकार आला या बॉलवर धावसंख्या दहा टेन रन दहा धावा झाल्यात पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या चार बॉलवर अर्जुन नमोचषक काही मान्यवर मंचावर बसतायत आणि दहा दावा झाल्यात पहिल्या षटकामध्ये ही गोष्ट त्यांनी ऐकली पुन्हा एक वेळ पायावर टाकलाय स्क्वेअर लेगला शेतरक्षक नाही मिळणार या बॉलवर रन डॉट बॉल पाच बॉलमध्ये आतापर्यंत दहा धावा चांगली बॅटिंग अक्षय अरसाळीची या पहिल्या षटकात एक षटकार एक चौकाराला शेवटचा बॉल शिल्लक आहे या षटकामधला छप्पन्न धावांचं लक्ष ठेवलं आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना दमदार सुरुवात झिरो डिग्री नागपूर संघाने केली आहे एक स्ट्रॉंग टीम आज आपल्याला पाहायला मिळाली झिरो डिग्री नागपूर समोर टाकलेला बॉल सिंगल सहजतेने या बॉलवर मिळेल आणि याच बरोबरीने पहिलं षटक होतंय समाप्त दुसऱ्या धावेची मागणी आहेत कुणाल असं वाटतंय स्ट्राईकला जायचं आहे एकदा या बॉलवर या एका धाब्याच्या मदतीने पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त धाव संख्या अकरा एलेवन विदाऊट लॉस टीम झिरो डिग्री नागपूर <स्थारीग> अकरा धावा इलेवन विदाऊट लॉस एक दैतिप्यमान स्पर्धा बाईस साल बेमी साल बाविश्व वर्ष यातच सर्व या बावीसव्या वर्षात जुळलेल्या सर्व आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांचं स्वागत आहे अर्जुन नमो चष्काचा थरार मनोज मनोज आहेत बॉलिंग ट्रॅकवर दुसऱ्या षटकामध्ये मनोज दुसऱ्या षटकामध्ये पहिला बॉल पहिला बॉल नो बॉलचा इशारा मागे चालला आहे करता आहेत बॉल अडवला जाईल तोपर्यंत एक आता दुसऱ्या दावेची मागणी डाईव्ह लगावली आहे दोन धावा मिळाल्या तिसऱ्या दावेची मागणी करतायत कुणाल नकार दिला अक्षयने दोन धाबा अचानक नो बॉलवालं साई रन वाजतंय डी जे मास्तर पूर्णपणे मोड मोडमध्ये आहेत प्रो ऍक्टिव्ह मोडमध्ये बॉल इनारा बॉल प्रीहिट गोलंदाजी मार्कवरती मनोज एकूण तीन धाबा या बॉलवर धावसंख्या चौदा रन प्रीहिट बॉल पिक्चर सुपर हिट होईल का हे बघायचं चांगला स्ट्रोक गॅप शोधलाय डीप कव्हरला क्षेत्रक्षक नाहीये बॉल सीमा पार चौकार चौकार येत असताना या बॉलवर चांगली बॅटिंग अक्षय अरसाडीची धावसंख्या चौकाराच्या मदतीने सोळा धाबा सोळा रन अठरा धाबा माफ करा अठरा धाबा धावपलकावर आणखी एक चांगला स्ट्रोक सरळ बॅटने स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड चांगलं शेतकरी प्रयत्न चांगला, चांगला बॉल सीमा पार गेला आणखी चौकार आला बॉलवर <वाल> दोन चौकार चांगली बॅटिंग सलग दोन बॉलवर दोन चौकार धावसंख्या बावीस रन अपमध्ये थोडासा व्यत्यय येतोय मनोज यांना बावीस रन ट्वेंटी टू विदाउट लॉस झिरो डिग्री नागपूर छप्पन्न धाबांचं लक्ष्य या मॅचमध्ये ठेवलंय इनसाईड आऊट चांगला स्ट्रोक बॉटमॅनचा वापर बॉल करतोय सफर षटकार अक्षय मैदान के अंदर है ने भी बता दिया षटकार आला आणखी एक चांगला स्ट्रोक अक्षय ने खेला आणि बॉल डीप कव्हरला ला फेकलाय सीमा पार षटकार अक्षय अरसाडे घरच्या मैदानावर प्रॅक्टिस करतोय आज इतक्या सहजतेने तो षटकार चौकार लगावतो आहे सरळ बॅट मध्ये आणि आतापर्यंत कुणालचं खातं उघडणं बाकी आहे आणि तिसरा षटकार लगावलं तर जितू भाऊ यांच्याकडनं अकराशे रुपयांचं पारितोषिक असेल दोन ऑलरेडी षटकार आले आहेत लगातार दोन बॉल मध्ये आ गया तीरा उचाई दूरी चाये उतनी पुरी षटकार छक्का और, और किसके जितू भाऊ यांच्याकडन अकराशे रुपयांचं पारितोषिक जाहीर झालंय अर्जुन नमो चष्काचा थरार आपल्या समोर आजचा दिवस संपायला चाललाय आणखी एक चांगला फटका कोई भी हिले का नाही असा हा स्ट्रोक बॉल सीमा पार गेला आणखी एक चौकार आला आणखी एक चौकार येत असताना चार धावा या बॉलवर चांगली बॅटिंग अक्षय अरसाडे करतो आहे धावसंख्या होते आहे दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर फोर्टी फोर चौरेचाळीस धावा चौवेचाळीस धावा धावपलकावर म्हणजेच काय तर बारा रनची गरज आहे अर्जुन नमोचष्काचा तरार अर्जुन सामाजिक संघटना बुटीपुरी नागपूर प्रेझेंट ही स्पर्धा आपल्यासमोर बबलू भाऊ गौतम अविनाश भाऊ गुजर यांच्या माध्यमातून त्याचबरोबर या स्पर्धेमध्ये भरपूर मेहनत घेते आमची सर्व आयोजन समिती प्रथम पारितोषिक चार लक्ष रुपये द्वितीय पारितोषिक एक लक्ष पन्नास अतीश उम्रे आनी, योगेश एक कवन हजार त्याचबरोबर शील प्रायोजक या स्पर्धेचे भाऊ उमरे आणि योगेश भाऊ सातपुते एकावन्न हजार मॅन ऑफ द सिरीज सूरजजी राव यांच्या माध्यमातून एकवीस हजार फायनल मॅन ऑफ द मॅच दीपकजी डप शुभमभाऊ कांबळे यांच्या माध्यमातून बेस्ट बॅटर अकरा हजार वैभवजी गुडे बेस्ट बॉलर अकरा हजार शंकरजी चौधरी बेस्ट फिल्डर अकरा हजार मुरलीजी पनपालिया बेस्ट कीपर अश्पाकजी यांच्या माध्यमातून अकरा हजार हे सर्व पारितोषिक हे सर्व दाते या स्पर्धेमधले नंदू आले आहेत बॉलिंग ट्रॅकवर पहिला बॉल मोठा पटका लगावण्याचा प्रयत्न कुणाल सावरकरचा लेग बाईट चा इशारा म्हणजेच काय तर अजूनही कुणाल सावरकरचं खातं उघडणं बाकी आहे अकरा रनची गरज संध्याकाळचं सत्र सूर्य अस्ताला चाललाय आणि आज प्रेक्षकांना लवकर घरी जायला मिळेल तेरा बॉल मध्ये एक्केचाळीस वर खेळतोय बुम बुम अक्षय अरसाळे ओ यावेळी क्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न बॉल मागे चाललाय हो नाही एक धाव या बॉलवर येईल सहजतेने बाईकच्या स्वरूपात ही धाव अक्षय एक्केचाळीस धावांवर बॅटिंग करत असताना बाईकच्या स्वरूपात सिंगल या एका धावेच्या मदतीने धाव संख्या सेहेचाळीस दहा धावांची गरज आहे चांगला स्ट्रोक लॉन्ग लॉंगॉपच्या टोक्यावरून बॉल चालला चिरद सीमा पार षटकार कल्बी गोंदिया में 6 गेंदों पे 6 सिक्सस लगाए हैं अक्षय ने लीडिंग एज उंच गेलाय हा बॉल क्षेत्ररक्षक बॉल चा खाली प्री हिट बॉल आहे त्यामुळे कॅची ड्रॉप होते आहे आणि एक रनही मिळतो या बॉलवर अजून रन करायचेत या मॅच मध्ये दोन धावांची गरज दोन धावांची गरज आहे अक्षय 41 वर खेळतोय अर्धशतकापासून थोडासा दूर राहील अक्षय अर्साडी आता भाजी बॅटिंग पे जाओ पुन्हा एक वेळ चांगला फटका बॉल सीमा पार आणि याचबरोबर झिरो डिग्री नागपूर संघ आजच्या दिवसामधला विजेता संघ होतोय क्वार्टर फायनलमध्ये पोहोचणारा हा दुसरा संघ कालच्या दिवसामध्ये मंगलमूर्ती नागपूर संघ क्वार्टरमध्ये पोहोचला आज झिरो डिग्री नागपूर संघ क्वॉर्टर फायनलमध्ये प्रवेश करतोय बजरंग संघाने चांगला खेळ केला प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार बजरंग संघाचा आणि टीम रॉकेट इंटरनॅशनल संघाचा प्रवास थांबलाय प्रेक्षक मैदानाच्या बाहेर जाताना आता गर्दी करतील आणि उद्या पुन्हा जुळा उद्या सुद्धा काही स्टार तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळतील उद्या सुद्धा काही चित्त थरारक सामने होतील त्यामुळे यायला विसरू नका आपल्या सर्वांच्या लाडक्या या अर्जुन मैदानावर अर्जुन नमो चषकाचा थरार उद्याही ऑन असेल